हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन उदय करियर एकेडमी। दोस्तों, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है, गवर्नमेंट जॉब है, इसके बारे में आपको पूरी अपडेट इस वीडियो में देंगे। साथ ही साथ इसी वीडियो में एक और वैकेंसी है, वो आईटीआई वालों के लिए। अब आईटीआई के जितनी ट्रेड होती हैं, लगभग सभी ट्रेड के लिए सरकारी नौकरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुल पदों की संख्या 357 है और ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। कोई भी कहीं भी किसी भी राज्य का हो, इसमें अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों, ये वैकेंसी आई है डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से, यहाँ से वैकेंसी आई है। आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, यहाँ पे दो तरह की वैकेंसी आपको दिखाई देगी। तो इन दोनों की पीडीएफ हमने डाउनलोड कर रखी है, वही पीडीएफ हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, यहाँ से जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें डेट आप स्टार्ट है जो है एप्लीकेशन का, वो 18 अप्रैल से शुरू हो जाएगा और 4 मई तक यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे। तो जो पोस्ट की है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। असिस्टेंट फोरमैन रिपेयर मेंटेनेंस का पोस्ट 112, 175 और 70, ये तीन तरह की यहाँ पे वैकेंसी हैं। इसके साथ साथ जो दूसरी पीडीएफ है, पहले उसको भी देख लेते हैं, फिर इस पे के ऊपर डिटेल से चर्चा करते हैं। दोस्तों, जो दूसरी पीडीएफ है, इसमें देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है, यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर सिविल की पोस्ट है। 3 साल का यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग में। सेक्शन ऑफिसर मतलब जेई की पोस्ट होती है, और जो जेई बनते हैं वो 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करके ही बनते हैं। तो 3 साल का डिप्लोमा आपको सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पे होना चाहिए। इसके साथ साथ दूसरी जो वैकेंसी आई है, सेक्शन ऑफिसर इलेक्ट्रिकल की आई है, इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके साथ पास डिप्लोमा होना चाहिए। और इन दोनों में जो पदों की संख्या है वो यहाँ पर दी गई है, ऊपर साइड में ही दिया गया है। यहाँ पर 8 वैकेंसी हैं सिविल की, सेक्शन ऑफिसर सिविल की, 2 वैकेंसी हैं इलेक्ट्रिकल की। तो इस तरह से 10 वैकेंसी तो ये हो गई जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको देखिए, पेमेंट जो यहाँ पे मिलेगा, कंसोलिडेटेड अमाउंट मिलेगा मंथली, ये करीब 35,400 मिलेगा। प्लस इसके ऊपर डीए मिलेगा 31%, जो हो जाएगा 10,974। तो सब मिला के 46,374 रुपये आपको तुरंत जो है इसमें मिलना शुरू हो जाएगा, जेई की इस वैकेंसी में 46,374 रुपये। 12% पीएफ में आपके जाएगा, जो कि होगा 5,565 रुपये। कंपनी जो है आपको, मतलब ये जो विभाग है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है, ये 12% आपका पीएफ में पैसा भेजेगा। तो अगर इसको भी जोड़ दें तो 51,000 से ऊपर आपकी सैलरी बैठती है। दोस्तों, इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी भेज दूंगा। जिन्होंने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ बहुत सारी अपडेट आपको मिलती हैं। तो देखिए, यहाँ पे असिस्टेंट फोरमैन रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जो पोस्ट है 112 है, और मंथली सैलरी इसमें कितनी आ रही है, 35,400 बेसिक पे, 10,974 डीए, 46,374 रुपये टोटल यहाँ बन रही है। इसके बाद असिस्टेंट फिटर की वैकेंसी है रिपेयर एंड मेंटेनेंस सेक्शन में, यहाँ पे 17,693 यहाँ पे इसकी सैलरी बन रही है इस पोस्ट की। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन रिपेयर एंड मेंटेनेंस में है, यहाँ पे भी 17,693 सैलरी बन रही, 70 पोस्ट हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, वेबसाइट भी दी गई है जहाँ पे आपको अप्लाई करना है, और यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। असिस्टेंट फोरमैन आर एंड एम रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जो 112 पोस्ट है, वहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा मांगा है, ऑटोमोबाइल में मांगा है, मैकेनिकल में मांगा है, इलेक्ट्रिकल में मांगा है। इनमें से किसी के पास ये डिप्लोमा हो 3 साल का, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा है, अगर आपने अप्रेंटिस की हुई है 1 साल की, प्लस 1 साल कहीं काम किया प्राइवेट में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिस इसीलिए ज़रूरी होती है कि जब कहीं एक्सपीरियंस मांगा जाता है तो अप्रेंटिस आपकी एक्सपीरियंस उसमें काउंट होती है। जनरल की 58, 16, SC की, ST की 8, OBC की 30, सब मिला के 112 पद यहाँ पर है। और सैलरी हमने आपको बता ही दिया कि 46,374 रुपये की सैलरी मिलेगी, 18 से 35 साल की एज यहाँ पे मांगी गई है। इसी तरह से जो सेकंड पोस्ट है, इसमें आईटीआई की क्वालिफिकेशन मांगी गई है, 175 पोस्ट है आईटीआई के साथ साथ है, जो इसमें ट्रेड मांगी गई हैं, मैकेनिक होना चाहिए, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर मैकेनिक, ऑटोमोबाइल फिटर, इनमें होना चाहिए, या फिर 3 साल का इसमें अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर,
और मैकेनिक ऑटोमोबाइल फिटर इन सब के अंतर्गत 3 साल का यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होगा, अप्रेंटिसशिप होगा, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जनरल में 90, एससी में 26, एसटी में 13, ओबीसी में 46, टोटल 175 पोस्ट है। 18 से 25 साल की एज मांगी गई है। अगली वैकेंसी असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन R&M यानी कि रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 70 पोस्ट हैं। इसमें ITI इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक ऑटो, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा गया है। जनरल की 37, एससी की 10, एसटी की 5, ओबीसी की 18, टोटल 70 वैकेंसी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये दो विज्ञापन एक साथ आए हैं और दोनों आए हैं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तरफ से। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी गई है, फिर भी आपकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।